गाइज आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर WhatsApp की 5 लेटेस्ट सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। इसके लिए गाइज आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज ये तो जानते ही हैं कि WhatsApp हमेशा अपडेट होते रहता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर WhatsApp अपडेट की 5 लेटेस्ट सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। गाइज ये WhatsApp सीक्रेट सेटिंग हर WhatsApp यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने WhatsApp को सिक्योर एंड सेफ रखना चाहते हैं। गाइज टेक ऑन ट्यूब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, इसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और नीचे आना और ऐड ए पब्लिक कमेंट में आपको WhatsApp ट्रिक लिख के आपको कमेंट कर देना है। गाइज प्रेजेंट टाइम में प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसके हेल्प से आपके WhatsApp को कोई भी हैक कर सकता है, आपके WhatsApp के मैसेज को कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए गाइज आपको अपने WhatsApp पे एक सेटिंग कर लेना है जिसके हेल्प से आपके WhatsApp मैसेज को कोई नहीं रीड कर सकता है, आपके WhatsApp मैसेज को कोई नहीं हैक कर सकता है। इसके लिए गाइज 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको सेकेंड नंबर का सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको एनेबल कर देना है। आप जब इसे एनेबल कर दोगे तो आपके WhatsApp मैसेज सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। गाइज अब मैं आपको WhatsApp की सेकेंड ट्रिक के बारे में बता देती हूँ। गाइज आपके WhatsApp में कोई ऐसा फ्रेंड है जो अपने ब्लूटिक को भी हाइड कर रखा है और अपने लास्ट सीन को भी हाइड कर रखा है और आप उसे मैसेज करते जा रहे हो बट वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि उसने आपके मैसेज को रीड किया है। आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि वो आपके मैसेज को रीड कर रहा है या रीड नहीं कर रहा है या आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है और आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है? इसके लिए गाइज आपको उसे एक वॉइस मैसेज भेजना है और सेंड कर देना। जैसे ही आप उसे वॉइस मैसेज सेंड करोगे, जैसे WhatsApp पे वॉइस मैसेज ओपन करेगा तभी आपके WhatsApp में ब्लू टिक शो हो जाएगा और इससे आप पता लगा सकते हो कि वो आपके WhatsApp मैसेज को देख रहा है या इग्नोर कर रहा है। गाइज अब मैं आपको WhatsApp की तीसरे सेटिंग के बारे में बता देती हूँ। गाइज आप WhatsApp पे तरह तरह के स्टिकर को सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे स्टिकर पे आना है और इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टिकर को सेंड करना है यहाँ से आके उसे डाउनलोड कर लेना है। जब ये स्टिकर्स डाउनलोड हो जाए तो आपको बैक आना है और यहाँ से आके आपको उस स्टिकर्स को सेंड कर देना है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब गाइज मैं WhatsApp की फोर्थ सेटिंग के बारे में बता देती हूँ। गाइज अगर आप चाहते हो कि WhatsApp पे लॉक भी ना लगाए और कोई स्पेशल फ्रेंड का WhatsApp चैट को भी हाइड करके रखे, इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। आप चाहो तो लॉक भी लगा सकते हो और किसी खास फ्रेंड का चैट भी हाइड कर सकते हो। इसके लिए गाइज आपको उसके चैट को लॉन्ग प्रेस किए रखना है और यहाँ पे एक आर्काइव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ से देख सकते हो मेरे इस फ्रेंड का चैट हाइड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इस फ्रेंड का चैट हाइड हो चुका है। गाइज अगर आप उस फ्रेंड के चैट को फिर से अपने WhatsApp पे लाना चाहते हो तो आपको WhatsApp में सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके इस फ्रेंड का चैट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से आपको इस पे लॉन्ग प्रेस किए रखना है और इस आइकन पे क्लिक कर देना है और आपके WhatsApp चैट में ये फ्रेंड आपका शो करने लगेगा। अब आपके WhatsApp पे इस फ्रेंड का चैट शो करने लगेगा जैसा यहाँ पे मेरे फ्रेंड का चैट शो करने लगा है। गाइज अब मैं आपको WhatsApp की फिफ्थ सेटिंग के बारे में बता देती हूँ। गाइज अगर आप किसी के WhatsApp स्टेटस को देखकर भी उसे ये जानकारी नहीं होने देना चाहते हो कि आप उसके स्टेटस को देखा है तो इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है,
सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे रीड रिसिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद आप किसी के स्टेटस को देख सकते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके स्टेटस को देखा है। ऐसे करके आप किसी के भी स्टेटस को देख सकते हो। गाइज ये थे व्हाट्सएप के 5 सीक्रेट सेट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू गाइज।